भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। उपस्थित सभा, सम्मानित पदाधिकारीगण, वैश्य समाज के प्रिय साथीगण, प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को सादर साधुवाद व आज के इस विशाल वैश्य महाकुंभ में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज इस विशाल समुदाय को एक साथ इस सुअवसर पर देखकर मेरे दिल को अत्यधिक खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ वैश्य समाज के साथीगण के सामने उपस्थित हूँ, जिन्होंने वैश्य समाज के सारे समाजों को एक साथ जोड़ने के लिए एक साझा संकल्प लिया है। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं ताकि हम हमारे वैश्य बंधुओं के साथ एक गहरा और साझा संबंध स्थापित कर सके। मैं यहाँ आज माइची समाज के प्रमुख के रूप में खड़ा हूँ और मेरा मकसद है कि हम वैश्य समाज के सारे समाजों के बीच साझा समर्थन और संयम स्थापित करें ताकि हम साथ मिलकर अपने समाज के सदस्यों के लिए गुणवत्तापूर्ण कार्य कर सकें और अपने हक की बात रख सकें। आज वैश्य समाज धर्म, शिक्षा, रोजगार, चैरिटी, चिकित्सा, उद्योग और सेवा के क्षेत्र में अपने सुझावों और कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र इतना विशाल, इतना समृद्ध है कि देश के हजारों करोड़ों लोगों को जीवन में रोजगार प्राप्त हो रहा है। आज सरकारी खजाने का सबसे ज़्यादा GST और टैक्स वैश्य समाज से ही आता है। अगर मैं कहूँ कि समाज के वंचित वर्ग के लिए सेवा कार्य भी वैश्य समाज द्वारा ही किया जाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। याद कीजिए उस गौरवशाली पल को, महाराणा प्रताप के समय को, जब भामाशाह ने अपना सर्वस्व दान करके ना केवल राजपूताना का मान बढ़ाया बल्कि एक स्वर्णिम इतिहास भी रच दिया। इतिहास गवाह है, जब जब भी कोई विपदा आती है तब वैश्य समाज के हमारे बंधु ही भामाशाह बनकर मानव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जब जब संकट आता है तब तब आगे आता है, बड़ा हाथ सेवा की खातिर सबका मान बचाता है। जी हाँ, ऐसा ही हमारा वैश्य समाज जो हर क्षेत्र में अग्रणी रहता है। आज हमने अपने बच्चों को श्रेष्ठ नागरिक और मानवता के सेवक के रूप में प्रशिक्षित किया, फिर भी राजनीतिक पदों पर हमारे बच्चों के लिए कोई स्थान नहीं है। जरा सोचिए इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। मैं अपनी समझ से मानता हूँ कि हम में कहीं ना कहीं एकजुटता का अभाव रहा है। अगर हम सब मिलकर एक साथ आगे कदम बढ़ाएं, और मेरा विश्वास है कि राजनीति के क्षेत्र में भी हम वह मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वैश्य समाज की भागीदारी आज ना के बराबर है, जबकि हमारे सामर्थ्य, शिक्षा, सोच, संस्कार, जीवन मूल्य व शक्ति के मापदंडों के आधार पर हम भारत को पुनः विश्व का गुरु बनाने की ताकत रखते हैं। चांद पर हमने झंडा गाड़ा है, अब सूरज पर भी हमारी बारी है। जी हाँ, ये पंक्तियां उस उद्घोष की ही है जिसका जज्बा, जिसका जोश आज हम सभी में परिलक्षित हो रहा है। आज वैश्य समाज में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन उनकी आवाज को मुखर बनाने के लिए समाज के सामर्थ्यवान लोगों को आगे आना होगा और संवेद स्वर में अपनी बात रखनी होगी। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम सभी को एक मंच प्राप्त हुआ है, तो मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ उपस्थित समस्त बंधुओं से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि हम आज के बाद और भी मजबूती से मिलकर काम करें और हमारे समाज के सदस्यों के लिए और भी अधिक उपयोगी योजनाएं बनाएं, उन्हें सबसे अच्छे अवसर प्रदान करें और उनके सुनहरे भविष्य को सुखद बनाने में जुट जाएं। आज का यह दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है और हमें इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। मेरा विश्वास है कि भविष्य में भी हमारे बीच ये संबंध इसी तरह बने रहेंगे और हम इसी एकजुटता के साथ अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। मैं इस विशाल काय आयोजन के लिए श्री प्रदीप जी मित्तल साहब व राकेश जी गुप्ता को
बधाई एवं साधुवाद प्रेषित करता हूँ जिन्होंने अपने भागीरथ प्रयासों से यह सफल आयोजन संभव हो पाया है। फिकर मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ हैं, लिखने वाले ने लिख दिया, तकदीर तेरे साथ है। फिकर करता हूँ क्यों, फिकर से होता है क्या, रख ईश्वर पे भरोसा, देख फिर मिलता है क्या। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय